एवरीवन, खमा गनीसा, हेयर इज़ इट शर्मी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल शर्मी ब्लॉग्स। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ एकदम मेरे कॉलेज के लिए। थोड़े से मेरे बाल गिरे हैं तो मुझे अभी पोनी बनानी है या फिर मैं सोच रही हूँ प्लेट्स बनाऊँ, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। और यह है मेरा मास्क और मैंने पहनी साड़ी, मेरी यूनिफॉर्म है। तो आई एम रेडी। थोड़े मेरे बाल गीले हैं ऐसे, मैं अभी ना प्लेट्स में नहीं बना सकती ना पोनी, और मेरे वैनर में भी टाइम है तो मैं सोचूं जब तक शायद थोड़े बहुत सूख जाएं और मुझे थोड़ी मदद मिल जाए। सो मैं आज आपको दिखाने वाली कि मेरे कॉलेज में क्या क्या होता है। सो स्टे ट्यून विद मी। आई कॉलेज में ना फेयरवेल पार्टी की तैयारियाँ चल रही, जैसे हम जाते हैं असेंबली वगैरह होती है उसके अंदर बैग रखो और पूरे डांस वगैरह की तैयारी करो, क्योंकि सीनियर्स ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेशर्स दी थी। तो भाई हमारा बनता है फ़र्ज़ कि हमें बहुत अच्छी फेयरवेल दे ताकि वो ज़िंदगी भर याद रखें कि हमारे बीएड कॉलेज की फेयरवेल बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो फिंगर क्रॉस आई तैयारी अच्छे से हो, हमारे डांस भी अच्छे से जाएं। मैंने 3 गानों पे डांस में पार्टिसिपेट किया है, मैं एक के भी स्टेप ना भूलूँ, फिंगर क्रॉस। सो चलो मैं आपको दिखा दूँ कि अभी हमारे कॉलेज में क्या क्या चल रहा है, किस तरह से तैयारियाँ चल रही है फेयरवेल पार्टी की। टैग सीनियर्स को टैग दिए जाएंगे 1 2 3 4 5। बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है। और यहाँ पे बनेगा हाथी, हाथी मेरे साथ ही, ये एलिफेंट के कटआउट से कार्ड अभी तो रेडी भी नहीं है, सॉरी टीचर्स का कार्ड है, सीनियर्स का तो चला गया। अच्छा लग रहा है ना। सारे टैग अच्छे लग रहे हैं, कितनी मेहनत की है हमने, क्या पता उन्हें पसंद आएगा या नहीं। कितने बनाया है हमारा सॉफ्ट बोर्ड, कितना अच्छा लग रहा है ना। पधारो सा, इस बार की थीम हमने राजस्थानी रखी है तो बिल्कुल भी देखना मत भूलना इस बार की फेयरवेल पार्टी। अच्छा लग रहा है ना, सही में यार इतना सुंदर बनाया है, पगड़ी वगड़ी सब, आई एम इम्प्रेस्ड। हमारे सॉफ्ट बोर्ड के साथ पधारों से विदाई समारोह है, सबको आना है जरूर जरूर। और एक ये वाला है राष्ट्रीय उदय टीटी कॉलेज फेयरवेल। और एक ये है, 4 सॉफ्ट बोर्ड है यहाँ के नोटिस बोर्ड में, बहुत अच्छा लग रहा है। फेयरवेल में आना है, कुछ भी हो जाए एवरीवन सबको आना है। हाथी हाथी, हेलो क्यूट एलिफेंट। अभी हमारे असेंबली हॉल में ये दिव्या है, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पार्टी को लेके। कॉलेज के कवर बनाए जा रहे हैं कवर लगाए जा रहे हैं सीट पे, अच्छा लग रहा है ना। भीड़ हो रही है कठपुतली का खेल चल रहा है। कठपुतली, नहीं मुझे कठपुतली बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, ऐसी लगती भी है। इसके लिए कुछ है ही नहीं।
अरे हेलो मम्मी पापा पूरी फैमिली है। इतने क्यूट लग रही है ना ये कठपुतली, बचपन से मेरी फेवरेट है कठपुतली का शो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे लग रहा है पर्दा ताकि हमारा स्टेज अच्छा अच्छा लगे। ऋतु दिव्या और राश्री और भावना और गिट्टू मानसी और गिट्टू अभी इतनी भीड़ हो रखी है स्टेज पे। एंट्रेंस कुछ ऐसा डेकोरेट किया, ओह माय गॉड मेरी कठपुतली गिर गई, पधारो सा ऐसे करके हमने कुछ डेकोरेट किया और फिर ये हमारा ऐसे हॉल आ जाता है असेंबली हॉल और मेरी कठपुतली गिर गई है। कितनी क्यूट कठपुतली है ना, पता नहीं ये बार बार गिर क्यों रही है। सो एवरीवन मैं और मम्मा जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए करण नगर में, हमारे यहाँ कॉलोनी एकदम पास ही पड़ता है तो वॉक करते करते मैं और मम्मा जा रहे हैं करण नगर। आज तो ठंड ज़्यादा ही लग रही है ना, ठंड आजकल हमारे बीकानेर का रोड भी हाईवे से कम नहीं है, ऐसे धमाधम गाड़ियाँ आती हैं कि पूछो मत। यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी सी शॉप है ऐसे यहाँ पे और ये सर्कल आ जाता है करण नगर में। यहाँ की बड़ी फेमस शॉप है बालाजी की, मेरा सारा सामान यहीं से ले लेता हूँ। यहाँ पे भी कुछ खाने की ऐसी स्टॉल्स वगैरह हैं, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ भाई। खाने की कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं, पानी पूरी और चटपट मसाले वाला सामान मिलता है और ये है हमारा डेली मार्केट और यहाँ पे है चूड़ियों की दुकान। हम जाते हैं कुछ शॉपिंग करने। ना मुझे हर्ट जैसी दिखाई देती, मतलब जब मैं वॉक करने आती थी ना तब भी हर्ट की तरह मुझे लगता था और बहुत हंसी भी आती थी। मम्मा बुला रही है घर की तरफ रात हो चुकी है। होम स्वीट होम वाली गली में, तो ये हमारी गली और वहाँ है हमारा घर। तो अब आ गया है हमारा घर, मैं चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यार एंट्री इन द हाउस।